नमस्कार, स्वागत है आपका बोल्ड स्काई में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन शाइनी दिखाई दे और साथ ही स्किन में जो नमी है वो बरकरार रहे। लेकिन ऐसा मुश्किल दिखाई देता है क्योंकि अक्सर सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन जो है वो रूखी हो जाती है और साथ ही बेजान दिखाई देती है। इसके अलावा स्किन से शाइनिंग भी खत्म हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा पैक बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी और साथ ही जो नमी है वो बरकरार रहेगी। अगर वो खो गई है तो वो वापस लौट आएगी। कैसे, देखिए पैक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच बेसन लिया है। जितना आपको चाहिए आप उतना बेसन ले सकते हैं। आपको इस पैक को डेली बनाना है क्योंकि हम इसे स्टोर कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टोर करने से ये पैक ख़राब हो जाएगा। अब हमें करना ये है कि इसमें दही मिलानी है। जी हाँ, हम दही मिलाएंगे। क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है कि दही कितनी मिलानी है। इस तरीके से हम इसे अब मिक्स कर लेंगे। आपको कोशिश ये करनी है कि क्वांटिटी को इक्वल रखना है, यानी कि जितना आपने बेसन लिया है सिर्फ उतनी ही दही मिलानी है। ना तो ये ज़्यादा पेस्ट गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए। अब इस पैक में हम मिलाएंगे ऑलिव ऑयल। इसे भी मैं एक चम्मच मिलाऊंगी और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अभी तक जो हमारा पेस्ट था वो ड्राई था, लेकिन अब इसमें एक शाइनिंग सी हमें दिखाई दे रही है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप सोचिए अगर ये आपकी स्किन में लगेगा तो कितना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। चलिए, अब मैं इसे आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आपको इसे लगाते वक्त डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो पेस्ट है इससे आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको नहाने से पहले इसका इस्तेमाल करना है। अगर इसे उपटन कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसे हम उपटन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्क धीरे धीरे नज़र आएगा, क्योंकि घरेलू चीज़ें हैं, एकदम से फ़ायदा नहीं करती हैं। धीरे धीरे ये हमारी स्किन में फ़ायदा करती है। रोज़ाना आप इसे इस तरीके से 5 मिनट तक लगाइए, मतलब रब कीजिए हल्के हाथों से। उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिए ताकि अच्छे से सूख जाए और उसके बाद आप नहा लीजिए, अपना फेस को क्लीन कर लीजिए। चलिए, अब हमें 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम हाथ को क्लीन कर आते हैं। इसमें हमने बेसन डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है, इसके अलावा हमने दही मिलाई है। ये सभी वो चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है और जिन्हें आपको अपनी स्किन पर रोज़ाना अप्लाई करना है। दही हम खाते हैं और उसको स्किन पर भी अप्लाई करते हैं। वहीं बेसन का इस्तेमाल भी स्किन के लिए होता है। स्किन की स्क्रबिंग होती है, स्किन के लिए पैक बनता है। और जहाँ तक ऑलिव ऑयल की बात है तो ऑलिव ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं उनसे हम सब वाकिफ हैं कि ऑलिव ऑयल हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देर किस बात की, आप भी इस पैक को ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये पैक कैसा लगा।